ओके आज मैं करने जा रहा हूँ तुम लोगों को इंस्पायर। भाइयों एक्शन कॉमेडी और हॉरर मूवी से भी कुछ ऊपर मूवी होती हैं, जिसके अंदर हम लोगों को अपना सपना पूरा करते हुए देखते हैं। और हम लोग जब उन लोगों की सपना पूरा करने की जर्नी को देख रहे होते हैं, तब हम भी उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और जब वो लोग उस जर्नी के अंदर जो फीलिंग फील कर रहे होते हैं, वो हम भी कहीं ना कहीं फील करने लग जाते हैं। और ऐसी मूवीज को कहा जाता है इंस्पायरिंग मूवीज। तो मैं आज आपको ऐसी ही 5 मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर रियल लाइफ के सुपर हीरो आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना सपना पूरा करते समय ना आए देखा ना ताए, और अपना सपना पूरा करके ही दम लिया। तो चलिए इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई जेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। आज की लिस्ट की पहली मूवी की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा। आपने ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिनके कुछ सीन आपके दिमाग में छप गए होंगे और वो रिपीट मोड पे चलते जा रहे होंगे। और जो आज की लिस्ट में मैं आपको पहली मूवी बताने जा रहा हूँ, उस मूवी को देखने के बाद आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। इस मूवी का नाम है एवरेस्ट, जिसकी स्टोरी में 4 लोग हैं जो एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाह रहे हैं और वो मेहनत करके एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच भी जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तो यह आता है कि जब उन्हें एवरेस्ट से नीचे उतरना होता है, तभी एक भयंकर तूफान आ जाता है। अब उस तूफान से कौन बच पाता है और कौन नहीं, कौन जिंदा नीचे आ पाता है, उसे जानने के लिए आप देखिए एवरेस्ट मूवी, जो नेटफ्लिक्स पर मिलेगी, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। और ये मूवी आई थी 2018 में। इस मूवी के अंदर दिखाए गए एवरेस्ट के सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और जिस तरह इस मूवी के एक एक किरदारों की फीलिंग्स को हमारे सामने रखा गया है, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो मैं बस यही कहूंगा, इस मूवी को आप जरूर देखना। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी मूवी की तरफ, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल, आप अपना सपना पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कभी सोचा है आपने? खैर इस मूवी का नाम है द स्विमर, जिसके अंदर 2 बहनों की स्टोरी दिखाई गई है जो सीरिया के अंदर रहती हैं अपनी फैमिली के साथ और स्विमिंग सीखती हैं। पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़कर जर्मनी जाना पड़ता है, वो भी इल्लीगल तरीके से, जहां जाकर वो रेफ्यूजी हो जाती है। और उसके बाद वो अपना सपना कैसे पूरा करती है और उनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और ये 2022 में ही आई थी। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस है। इस मूवी के कुछ सीन ऐसे हैं जब आप इनकी हिम्मत पर बहुत ज्यादा गर्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की तीसरी मूवी की तरफ, जिसका नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। क्या आपको पता है इंडियन एयरफोर्स में वो पहली महिला कौन थी जिसने द कारगिल वॉर के अंदर हिस्सा लिया था और बैक टू बैक 40 मिशन किए थे, वो भी सक्सेसफुल। इस मूवी की स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है गुंजन, जो बचपन से एक पायलट बनना चाहती थी, पर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो अपने सपने को पूरा करने रह जा रही थी, कभी पैसों की वजह से तो कभी एजुकेशन के चक्कर में। पर यही आता है कहानी में ट्विस्ट, इंडियन एयरफोर्स भी फर्स्ट टाइम मौका दे रहा था लड़कियों को भी अपनी देश की सेवा करने का, जहाँ गुंजन ने भी अप्लाई कर दिया, पर वो मेडिकल में फेल हो गई क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर छोटी थी और 7 किलो वजन उसका ज्यादा था। अब वजन तो वो 7 किलो जैसे तैसे कम कर ले, पर 1 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ाती है, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और उसकी एयरफोर्स की जर्नी कैसी रहती है, उसे भी जानने के लिए ये मूवी आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश में, और ये 2020 में आई थी। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की चौथी मूवी की तरफ, जिसका नाम है द स्प्रिट। इस मूवी की स्टोरी में एक लड़की है जो पूरा वर्ल्ड एक नाव से घूमना चाहती है, और एक छोटी सी एज से उसके लिए वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। अब वो लड़की एक नाव से पूरे वर्ल्ड को कैसे घूमती है और इस दौरान उसे किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी को देखने से पहले ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में भी किसी ने ऐसा कुछ किया है। तो हाँ, इस मूवी को भी जरूर देखना, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और ये मूवी 2023 के अंदर ही आई है। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की पांचवी मूवी की तरफ, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा फ्रेश है और सबसे ज्यादा न्यू है, जिसका नाम है 12th फेल, और ये हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की स्टोरी एक रियल आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर बेस है कि वो कैसे और कितने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस ऑफिसर बने, और ये आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना उन्हें कहां से आया और इसके लिए उन्होंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल करी। ये मूवी परफेक्ट एग्जाम्पल है एक इंस्पायरिंग मूवी का, क्योंकि इस मूवी के अंदर कोई भी कमी नहीं है। परफेक्ट इमोशन है, परफेक्ट डायरेक्शन है, परफेक्ट एक्टिंग है, सारा कुछ परफेक्ट है। बस ये मूवी आपको अभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, इसे देखने के लिए ये आपको थिएटर का सहारा लेना पड़ेगा या इंटरनेट की शक्तियों का। तो यही वो 5 मूवीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और अगर आप इन्हें देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों से आप भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहेंगे। बाकी आप देखो इन मूवीज को, मैं आपको ऐसे ही मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय, और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है।
मजा आएगा, करो बाय।